वेलकम टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम अल्कोहल के बारे में। तो अल्कोहल क्या होता है, एक साइकेट्रिक के डिसऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है। जिस तरीके से सबस्टांस एब्यूज डिसऑर्डर है उसके टाइप में आता है, सबस्टांस एब्यूज डिसऑर्डर में आता है अल्कोहल, ओपोइड्स, कोकीन, कैनाबिस, टोबैको वगैरह आते हैं। ये सबस्टांस एब्यूज डिसऑर्डर के टाइप होते हैं, इसमें क्लासिफाई करते हैं अल्कोहल को। तो आज बेसिकली बात करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, जो अल्कोहल होते हैं उसको क्या होता है, नशा होता है। जो दारू होती है ना, आपने देखा होगा कि लोग दारू पी के नाचते रहते हैं सड़कों पर, नशा करते हैं, और कोई आपने देखा रोड एक्सीडेंट में भी ज्यादातर जो बेसिकली जो का नाम एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ये अल्कोहल पी के ही होते हैं, दारू नशा करके ही पीते हैं होते हैं। तो आज बात करते हैं अल्कोहल के बारे में। तो आज बात करते हैं अल्कोहल के बारे में, जो अल्कोहल होता है क्या होता है, जो अल्कोहल होता है इसमें बात करते हैं पीने नशा अल्कोहल। जो अल्कोहल होता है इसमें क्या होता है, जो पीने वाली शराब होती है ना उसे जानते हैं किस नाम से, एथेनॉल। जो पीने वाली शराब होती है ना उसे जानते हैं एथेनॉल के नाम से जानते हैं उसको, या जो दूसरा नाम होता है उसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, उसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो जो ये पीने वाली शराब होती है जिसको बोलते हैं एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। अब बात करते हैं कि अल्कोहल की मात्रा बियर के अंदर कितनी होती है, कि कितना परसेंट अल्कोहल होता है बियर के अंदर, वाइन के अंदर, स्प्रिट के अंदर, तो इसके बारे में बात करते हैं। बात करते हैं प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में क्या होता है कि अल्कोहल की मात्रा कितनी है किसी, अल्कोहल की मात्रा कितनी है किसी वगैरह स्प्रिट होगी उसके अंदर कितनी अल्कोहल की मात्रा, या कोई वाइन होगी या बियर वगैरह होगी। तो जो बियर होती है ना, बियर, जो बियर होती है इसके अंदर जो अल्कोहल की मात्रा होती है वो 8% होती है। अल्कोहल की मात्रा बियर के अंदर 8% होती है। और जो होती है स्टैंडर्ड बियर होती है, एक स्टैंडर्ड बियर के नाम से आता है स्टैंडर्ड बियर, इसके अंदर 12% मात्रा होती है अल्कोहल की। जो होती है एक होती है स्प्रिट, स्प्रिट, जो स्प्रिट के अंदर मात्रा होती है वो 40% होती है। स्प्रिट के अंदर जो अल्कोहल की मात्रा होती है वो 40% होती है। जो स्प्रिट होता है वो हम क्या नाम सैनिटाइजर में वगैरह में यूज करते हैं। तो ये प्रिपरेशन हुई। इसके बाद जो अल्कोहल होती है, जो पीने वाली दारू होती है उसको एथेनॉल के नाम से जानते हैं या इथाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इंडिया के अंदर कितना रेट है अल्कोहल पीने का, कि कितने परसेंट आदमी अल्कोहल पीते हैं इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर जो अल्कोहल की परसेंटेज है वो 13% है इन इंडिया के अंदर, 13% इन इंडिया। इंडिया में जो इंसिडेंट रेट है वो 13% रेट है इंडिया के अंदर अल्कोहल का, अल्कोहल कंजप्शन का। इसके बाद बात करते हैं कि जो अल्कोहल होती है वो रूट कौन सी लेता है, रूट ऑफ अल्कोहल, रूट ऑफ अल्कोहल, कौन से रूट से अल्कोहल को लेते हैं। जो बेसिकली रूट होती है अल्कोहल की वो होती है ओरल, ओरल रूट, हम बेसिकली ओरल रूट से अल्कोहल को लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं उसका मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है। पहले बात करें एब्जॉर्प्शन, कि हमारी बॉडी के अंदर जो अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द अल्कोहल, एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जो अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के अंदर, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर क्या होता है अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक के अंदर। इसके बाद जो बात करते हैं हम, वो करते हैं कि एब्जॉर्प्शन हो गया, रूट ऑफ अल्कोहल होगी, कौन सी रूट से अल्कोहल को लेते हैं, कहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल, मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म कौन से ऑर्गन के द्वारा किया जाता है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो होता है लीवर, लीवर के द्वारा अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये हुआ आपका एब्जॉर्प्शन, रूट, मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल। इसके बाद बात करते हैं कि अगर किसी आदमी को अल्कोहल ले रहा है तो उसका इंटॉक्सिकेशन क्या है, इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या है, अगर कोई आदमी अल्कोहल ले रहा है तो उसका इफेक्ट क्या है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अल्कोहल का। तो अकॉर्डिंग टू BAC, बी मतलब कि ब्लड अल्कोहल कंसेंट्रेशन, BAC, तो BAC के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू BAC के अंदर, BAC के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर अल्कोहल इफेक्ट डालता है। तो बी का मतलब क्या होता है, BAC का मतलब है ब्लड अल्कोहल, ब्लड अल्कोहल कंसेंट्रेशन, ब्लड अल्कोहल कंसेंट्रेशन, के ब्लड के अंदर अल्कोहल की कंसेंट्रेशन कितनी है, अल्कोहल की मात्रा कितनी है।
तो अगर हमने कोई भी अल्कोहल ली और हमारी बॉडी के अंदर हमने अल्कोहल पी और हमारे ब्लड के अंदर 20 से 30 mg पर डीएल के अकॉर्डिंग, कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड के अंदर 20 से 30 mg पर डीएल के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के अंदर अल्कोहल की कंसंट्रेशन हो गई, तो इसमें जो इफेक्ट देखने को मिलता है हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, कि इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट ये होता है कि जो हम ड्राइव करते हैं ना, या कार चला रहे हैं या कोई बाइक वगैरह ट्रक वगैरह चलाते हैं, तो ये लीगली ड्राइव कर सकते हैं। इसमें बनता क्या है, लीगली ड्राइव, कि अगर किसी के ब्लड के अंदर अल्कोहल की मात्रा 20 से 30 एमजी है ब्लड के अंदर, तो आदमी लीगली ड्राइव कर सकता है। तो उसको जैसे कि आप क्या है कि कोई दारू पीकर गाड़ी नहीं चलाना, ये लिखा हुआ है बेसिकली। अगर उसके ब्लड के अंदर 20 से 30 एमजी पर डीएल के अकॉर्डिंग अगर उसकी कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर अल्कोहल की, तो वो लीगली ड्राइव कर सकता है। उसको पुलिस कोई भी कुछ नहीं कहेगी कि आप ड्राइव क्यों कर रहे हैं। तो क्या अगर कोई पुलिस ने पकड़ लिया तो आप कह सकते हैं आप मेरा ब्लड कंसंट्रेशन चेक कर लीजिए, क्योंकि उसने 20 से 30 एमजी पर डीएल के अकॉर्डिंग ही पी रखी है, तो इसलिए उसका जो ब्लड कंसंट्रेशन रहेगा 20 से 30 एमजी पर डीएल के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए वो लीगली ट्राई कर सकता है। ये सरकार की उपस्थिति है कि इसे सरकार ऑर्डर देती है कि आप चला सकते हो। ठीक, अगर 20 से 30 एमजी पर डीएल के अकॉर्डिंग उसके अंदर ब्लड के अंदर अल्कोहल की कंसंट्रेशन है। इसमें क्या होता है, अगर 30 से 80 एमजी पर डीएल हो जाए, इसमें क्या होता है कि बंदे ने एक पैग मार लिया, अगर एक या हाफ पैग मार ले तो उसमें बंदा ड्राई कर सकता है। इसमें अगर दो या तीन पैग मार ले तो उसमें क्या होता है कि उसकी वर्जनिंग कंडीशन हो जाएगी, मतलब सीरियस कंडीशन हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, उसके जो थॉट है ना वे डिक्रीज हो जाएगा, थॉट या तो उसके थॉट डिक्रीज हो जाएंगे या थॉट इनक्रीज हो जाएगी। ठीक, जो दूसरी बात होती है उसमें क्या होता है, जो या तो वो हाइपर एक्टिविटी हो करने लगा या डिक्रीज एक्टिविटी करने लगेगा, या डिक्रीज एक्टिविटी करने, तो ये इफेक्ट मिलता है अगर हमारी बॉडी के अंदर 30 से 80 एमजी पर डीएल के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के अंदर अल्कोहल की कंसंट्रेशन हो जाए हमारे ब्लड के अंदर, तो उसके इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, या हाइपर एक्टिविटी या हाइपर थॉट करने लगेगा, थॉट इंक्रीज हो जाएगा या थॉट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो थर्ड इफेक्ट होता है, अगर उस बंदे के अंदर 80 से 200 एमजी पर डीएल के अकॉर्डिंग क्या है ब्लड में अल्कोहल की मात्रा है, तो उसमें वो ड्राइव नहीं कर सकता, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है उसमें। तो इसमें कंडीशन में इसका इफेक्ट क्या देखेगा, अगर उसके अंदर 20 से 80 दो 80 से 200 एमजी पर अल्कोहल हो जाए हमारे ब्लड के अंदर, तो उस कंडीशन में उस पर इफेक्ट क्या मिलेगा, उस कंडीशन में उसको क्या इफेक्ट मिलेगा, इनकोऑर्डिनेशन का मतलब है उसके पैर भी लटखड़ाने लगते हैं उसमें, इनकोऑर्डिनेशन हो जाता है, उसका बॉन्डिंग नहीं होती, कभी जीते है कभी रेस ज्यादा दे देगा, अगर कार चला रहा है उसकी 80 से 200 एमजी पर डीएल के, कभी रेस ज्यादा दे दी, कभी ब्रेक मार दिए, कभी क्लच छोड़ दे, इस तरह की कंडीशन करें, तो उसको बोलते हैं इनकोऑर्डिनेशन, उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहेगा। ठीक, जो फोर्थ इफेक्ट होता है, अगर 200 से 300 एमजी पर डीएल के अकॉर्डिंग हो जाए तो उसके अंदर जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो क्या होगा, स्लज स्पीच या एट्रोग्रेड एमनेशिया, ये कंडीशन उसको देखने को मिलेगी, ये इफेक्ट देखने को मिलेगा अगर 80 से 300 एमजी पर जो अल्कोहल की मात्रा है वो 200 से 300 एमजी हो जाए हमारे ब्लड के अंदर। अगर मोर देन 300 एमजी हमारी बॉडी के अंदर हो जाए तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, जो उसके वाइटल साइन है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, वाइटल साइन इम्पेयर्ड, तो उसके जो वाइटल साइन है वे इम्पेयरमेंट हो जाएगा, वे इम्पेयर्ड हो जाएगा। तो ये होता है इसका इंटॉक्सिकेशन, अल्कोहल का इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या है कि क्या इफेक्ट देखने को मिलता है अगर कोई दारू पी ले, तो ये इफेक्ट देखने को मिलते हैं। 20 से 30 है लीगली ड्राई कर सकता है, 30 से 80 है तो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगी एक्टिविटी, डिक्रीज हो जाएगी, और 80 से 200 है तो इनकोऑर्डिनेशन हो जाएगा, और 200 से 300 है तो उसमें स्लज स्पीच या एट्रोग्रेड एमनेशिया देखने को मिलेगा, अगर उसके अंदर 300 से ज्यादा है तो वाइटल साइन इम्पेयर हो जाएगा, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसके बाद बात करते हैं विड्रॉल सिम्टम्स, अगर कोई बंदा क्या ले रहा है अल्कोहल ली तो उस पर इंटॉक्सिकेशन इफेक्ट ये देखने को मिलेगा, अगर उसने अल्कोहल छोड़ दी, अगर वो ले रहा है रोज लेता है और एक दिन ना मिले उसे तो उसको बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम। अगर वो रोज ले रहा है और एक दिन ना मिले और फिर उसको क्या सिम्टम्स आएंगे, तो अगर जो बंदा है वो उसको अल्कोहल को नहीं ले रहा है तो उसको बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स, उसने अल्कोहल छोड़ दी
विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ, विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का विड्रॉल सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा। तो जो अल्कोहल का विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलेगा उसके अंदर वे क्या देगा, पहले होगा वो रहे क्या होगा इरेटिबिलिटी, वो इरेटिबिलिटी, 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 इरेटिबिलिटी का मतलब क्या, वो बेचैन रहेगा, कभी भाई मुझे जल्दी मिल जाए, इस तरह के उसके सिम्टम्स आएंगे। एक होता है क्रेविंग, क्रेविंग के बार बार उसको उसी की याद आएगी, बार मुझे जल्दी से दारू मिल जाए, इस तरीके से अल्कोहल मिल जाए, या उसको क्या आ जाएगा, उसकी जो बीपी है वो फॉल हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसकी पल्स है वो भी इंक्रीज देखने को मिल सकती है, उसके अंदर सीजर्स भी आ सकते हैं, उसके अंदर सीजर देखने को मिलता है उस पेशेंट के, जो विड्रोल सिम्टम देखने को मिलता है उसको, ऑडिटरी हेलुसिनेशन देखने को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा उस पेशेंट को जो विड्रोल सिम्टम्स, अगर ऑडिटरी हेलुसिनेशन देखने को मिलता है एल्कोहल वाले पेशेंट को तो उसको बोलते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ये विड्रोल सिम्टम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है विड्रोल सिम्टम का ऑडिटरी हेलुसिनेशन। और कंडीशन क्या देखने को मिले, उसको ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे, यह सब विड्रोल सिम्टम्स में आते हैं, कि वो क्या रहेगा एंजाइटी देखने को मिलेगी उसे, एंजाइटी देखने को मिले, तो ये सब सिम्टम होते हैं विड्रोल सिम्टम ऑफ द एल्कोहल, अगर कोई बंदा एल्कोहल छोड़ दे, एल्कोहल ना मिले तो ये सब सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं, कि अगर कोई बंदा अल्कोहल ले रहा है तो उसे छुड़ा कैसे सकते हैं अल्कोहल को, तो अल्कोहल छुड़ाने का सबसे आसान तरीका ये है कि उसे अल्कोहल ना, तो अल्कोहल छोड़ देगा, बट अल्कोहल छोड़ देगा तो उसके अंदर विड्रोल सिम्टम देखने को मिलेगा, तो विड्रोल सिम्टम्स को ट्रीटमेंट करना है, ठीक। तो जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है ना, ड्रग ऑफ चॉइस इन विड्रोल सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल, विड्रोल सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल, विड्रोल सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल, जो अल्कोहल का, अल्कोहल के विड्रोल सिम्टम्स में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होता है, बेंजोडाइजेपाम, बेंजो, बेंजोडाइजेपाम, तो इसके इस पेशेंट को बेंजोडाइजेपाम देंगे अगर विड्रोल सिम्टम को ट्रीट करना है पेशेंट के, ठीक। इसके बाद बात करते हैं, अगर पेशेंट का ओवरडोज ले ली, मैं हूं और मैंने अल्कोहल ओवरडोज ले ली, तो मेरे अंदर इफेक्ट क्या आएगा, सलज स्पीच, एट्रोग्रेस, अमनेशिया, वाइटल साइन इम्पेयर्ड हो जाएंगे, और या मुझको इनकोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। तो अगर बंदे ने ओवरडोज ले ली तो उसको किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, तो ड्रग ऑफ चॉइस इन ओवरडोज ऑफ अल्कोहल, ओवरडोज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के ओवरडोज में क्या ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, अगर किसी ने अल्कोहल ज्यादा ले ली उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या देते हैं, जिसको माना जाए फोमीपिजोल, फोमीपिजोल, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है अल्कोहल ओवरडोज के अंदर, और ये होते हैं विड्रोल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए बेंजोडाइजेपाम देते हैं, बेस्ट ड्रग होती है ये, ठीक। ये आपका ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन, कि अगर कोई पेशेंट है उसके हमने अल्कोहल के रूट बता दी, कौन सी रूट से लेते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन बता दिया, मेटाबॉलिज्म बता दिया, ठीक, इंटॉक्सिकेशन बता दिया, विड्रोल सिम्टम बता दिया, ड्रग ऑफ चॉइस विड्रोल सिम्टम में क्या देते हैं, ओवरडोज में क्या देते हैं। इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्कोहल, अगर कोई पेशेंट अल्कोहल ले रहा है तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है, ठीक। जो बेस्ट देखने को मिलता है वो विटामिन, विटामिन बी वन डेफिशिएंसी देखने को मिलता है, विटामिन B1 डेफिशिएंसी देखने को मिलता है इसके जो कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक। इसका जो दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या देखने को मिलता है उस पेशेंट को, उस पेशेंट को क्या होता है, एट्रोग्रेड एमनेशिया देखने को मिलता है, एट्रोग्रेड एमनेशिया देखने को मिलता है, एट्रोग्रेड एमनेशिया देखने को मिलता है, ठीक। उसमें क्या देखने को मिलता है, उसमें बंदे को सीजर्स भी आ सकते हैं, अगर ना मिले तो उसे सीजर्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है, सीजर्स प्रॉब्लम हो सकती है उसको, ठीक। तो ये सब उसको क्रेविंग देखने को मिलता है, ज्यादातर उसको क्रेविंग देखने को मिलता है, ये सब कॉम्प्लिकेशन में आते हैं। उसको एनसेफेलोपैथी देखने को मिल सकते हैं, इन सिफेलो, इन सिफेलोपैथी देखने को मिल सकता है उस पेशेंट को, और
उस पेशेंट के न्यूरॉन डैमेज हो सकते हैं, न्यूरॉन डैमेज, न्यूरॉन डीजेनरेशन, उसके न्यूरॉन डिजेनरेटिव देखने को मिल सकते हैं। उस पेशेंट को क्या देखने को मिल सकता है? उस पेशेंट को न्यूरॉन डिजेनरेशन देखने को मिलता है, इंसेफेलोपैथी, क्रेविंग सीजर, एट्रोग्रेड एमनेशिया, विटामिन D1 डेफिशिएंसी देखने को मिल सकता है। उस पेशेंट को डिलीरियम वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एल्कोहल। अगर एल्कोहल का कॉम्प्लिकेशन देखे तो ये सब एल्कोहल होते हैं। इसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ नर्स के, नर्स का क्या रोल होता है, नर्सिंग ऑफिसर का क्या रोल लगता है एक एल्कोहल वाले पेशेंट को। सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है नर्स का वो ये रहता है कि उस पेशेंट को अवॉइड करे उस चीज से कि वो एल्कोहल वाली चीजों के पास ना जाए। ठीक, तो बात करते हैं रोल ऑफ नर्स, रोल ऑफ नर्स, नर्स का क्या रोल रहता है उस पेशेंट के लिए जो अल्कोहल ले रहा है या जिसी को अल्कोहल ट्रीट करा रहे हैं। तो उसका जो रोल रहता है वो रहता है सजेस्ट फॉर द पेशेंट, पेशेंट को सजेस्ट करना है, सजेस्ट फॉर द पेशेंट टू अवॉइड द एनी एल्कोहलिक प्लेस एंड पर्सन, के वो ऐसे प्लेस को अवॉइड करे जहाँ पर एल्कोहल का कंजप्शन होता हो, जो एल्कोहलिक पर्सन हो उनके पास ना जाए। अगर वो वहाँ पर चला गया जिस तरीके से मैं अल्कोहल पीता था और मुझे अल्कोहल छुड़ा दे, मेरी ट्रीट करा दे मेरे अल्कोहल को, और मैं फिर चला गया अल्कोहल वाले ढाबे की तरफ चला गया मैं, तो मुझे क्या आएगा, मुझे फिर यार याद आएगी क्रेविंग, तो मुझे लत लग सकती है, फिर मैं दोबारा में अल्कोहलिज्म कंजप्शन वाला पेशेंट बन सकता हूँ। तो इसीलिए उस पेशेंट को ऐसी चीजों से अवॉइड कराना है जहां पर वो पहले दारू बैठ के पी रहा था, उस जगह उसको नहीं ले जाना। इस तरह से साइकोलॉजिकल सपोर्ट करनी है कि यार तेरी गलत बात है, इस तरीके से उसको हैंडल करके रखना है, उसको ऐसे पर्सन के साथ नहीं कॉन्टेक्ट कराना उसका जो क्या नाम अल्कोहल पीता है, और उसको क्या नाम एक होते हैं कभी उसको शेविंग ना कराने के लिए बोलो, जो क्या नाम हैंड शेविंग होते हैं ना, क्रीम शेविंग, शेविंग के लिए भी उसको अवॉइड करना है। इन सब चीजों में जो शेविंग क्रीम होते हैं इसमें भी अल्कोहल पाया जाता है, समथिंग 0. कुछ कुछ परसेंट पाया जाता है इसके अंदर। तो इसीलिए इन पेशेंट को भी क्या इन चीजों से अवॉइड कराना है, इसीलिए वो ट्रीट हो सकता है अगर उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ये होता है रोल ऑफ नर्स, ट्रीटमेंट के बाद नर्स का क्या रोल होता है, तो ये बेसिकली रोल होता है। इसके बाद ये आपका कंप्लीट हो चुका अल्कोहल। तो अगर अल्कोहल में आपका कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक, अब जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे वो बताएंगे ओपोइड्स के बारे में, बताएंगे कैनाबीज के बारे में, बताएंगे टोबैको के बारे में, बताएंगे और कोकीन के बारे में बताएंगे। तो ये सब एक सबस्टेंस अब्यूज डिसऑर्डर का टाइप होता है। ठीक, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।